हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यमुनानगर के बिलासपुर बस स्टैंड पर बसों के सही संचालन न होने से परेशान कॉलेज के छात्रों ने ताला जड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि बिलासपुर से छछरौली रूट की एक ही बस है जो सही समय पर चलती भी नहीं है, ना ही उनको पहुंचाती है। छात्रों को अपनी क्लास छोड़नी पड़ जाती है। छात्रों का यह भी आरोप है कि इससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यमुनानगर के बिलासपुर बस स्टैंड पर बसों के सही संचालन न होने से परेशान कॉलेज के छात्रों ने ताला जड़ दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिलासपुर से छछरौली रूट की एक ही बस है जो सही समय पर नहीं पहुंचती और छात्रों को अपनी क्लासेस कई बार मिस करनी पड़ती है। छात्रों का आरोप है कि इससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। डेढ़ महीना हो गया सर, हम यहाँ पे रोज 7 बजे आके खड़े होते हैं, बस का वेट करते हैं और यहाँ पे हमें बस ये कहा जाता है कि हाँ 15 मिनट बाद आ रही है बस, 1 घंटे बाद आ रही है। हम यहाँ 11 बजे तक वेट करते हैं। जब कॉलेज में जाते हैं तो टीचर प्रॉब्लम को नहीं समझते, नाम काटते हैं। अब हम बताओ क्या करें, हमने जीएम पे भी हम गए, कई बार गए और इनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम बताई बट कोई नहीं सुनता क्या। छात्रों का कहना है कि बिलासपुर छछरौली रूट पर केवल एक ही बस चलती है जिस पर सैकड़ों की तादाद में छात्र सफर करते हैं। ऐसे में एक तो केवल एक ही बस और वो भी समय पर ना चले तो छात्रों की पढ़ाई पर इसका कितना असर होता है आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने बोला था कि वो बसें लग गई, फिर भी लगी नहीं है। बार बार अपनी समस्या को प्रशासन से अवगत करवाने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तब परेशान होकर छात्रों ने बस स्टैंड के गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसी तरह छात्रों को शांत कराकर जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बहरहाल आश्वासन के बाद छात्रों का गुस्सा तो शांत हुआ, लेकिन देखना ये होगा कि छात्रों की समस्या का समाधान आखिर कब तक निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।